हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। तो आज हम फिर आ गए हैं नया व्लॉग लेके। तो आज हम आपको जिम्नास्टिक में जो सर्कल करते हैं ना, अभी आप वीडियो में देख लोगे, मैं आपको ऊपर एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो आज हम ये करने वाले हैं, बट हम यहाँ पे कोई भी तैयार या फिर कोई भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोप के ऊपर नहीं करेंगे, मतलब कोई भी बनी बनाई चीज़ के ऊपर ये नहीं करेंगे। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम देसी जुगाड़ से भी ये सब कर सकते हैं, अगर करने की इच्छा हो तो। अगर आप भी ये सर्कल्स वगैरह करना चाहते हैं जो मैंने आपको फ़ोटो में दिखाया ही है, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। अगर आप ये बने बनाए प्रोप नहीं ले सकते बट करना चाहते हैं, तो मैं आपको आज दिखाता हूँ कैसे प्रोप के ऊपर हम अपनी बनी बनाई देसी जुगाड़ वाली प्रोप के ऊपर ये सर्कल्स करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। तो मैं बात कर रहा था, जो आपको देसी जुगाड़ की बात कर रहा था, ये ईंटें हैं, पीछे आपको मेरी ईंटें दिख रही हैं, ये देख सकते हो दोस्तों। अगर आपके पास ये ईंटें घर पे ही अवेलेबल हो, तो आप घर से भी इसको उठा सकते हैं, या फिर आसपास कोई पार्क है, प्लॉट है, खाली कुछ भी है, तो आप उसको उठा सकते हैं, वहाँ से ईंटें उठा सकते हैं और आप वो बना सकते हैं। आपको मैं बना के दिखाता हूँ कैसे बनाना है। तो चलते हैं दोस्तों। फाइनली तो हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर, देख लीजिए। तब इसके ऊपर हमें चाहिए एक सरफेस जिसके ऊपर हम हाथ रख सकें। तो हम इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे बट्ठल। अब बट्ठल को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता तो आप कमेंट में बताना ज़रूर। बट्ठल जिसके अंदर हम पानी भरते हैं नहाते टाइम या फिर कपड़े सुखाते हैं, हर मिडिल क्लास बंदे घर पर होगा। ये है बट्ठल, देखिए ये बट्ठल आ गया है। तो अब हम ये बट्ठल रखने वाले हैं इसके ऊपर। ये हो गया हमारा सरफेस तैयार। बस आपने इस चीज़ का नोट रखना है कि आप जहाँ पे भी बट्ठल रखो उसका जो सरफेस है ना वो बिल्कुल इक्वल हो, ज़्यादा हिले डुले ना, थोड़ा बहुत तो हिले डुलेगा क्योंकि वो कहीं से हमने बांध नहीं रखा। पर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा भी ना हिले, कि हम कर ही ना पाएँ सर्कल्स, प्रैक्टिस ही ना कर पाएँ। तो अब हम करते हैं सर्कल्स की प्रैक्टिस, मिसिंग होगा कैसा होगा जो भी होगा करेंगे। चलते हैं। देखिए थोड़ा बहुत सरफेस हिल रहा है हमारा, तो हम ईंटें वगैरह एडजस्ट कर लेंगे, सभी के सभी जितनी भी ईंटें हैं सारी एडजस्ट कर लेंगे, इसको बिल्कुल स्टेबल बनाएंगे जितना हो सके, जितनी पॉसिबिलिटी हो इसको स्टेबल बनाने की उतना ही स्टेबल बनाएंगे, उसके बाद ही हम सर्कल स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं इसको स्टेबल कर लेता हूँ, उसके बाद हम सर्कल स्टार्ट करेंगे। चलो चलते हैं दोस्तों। तो हमारी अब ये सरफेस स्टेबल हो चुका है, तो अब हम सर्कल स्टार्ट करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। पहले ना इस पे एक दो सर्कल करके देखेंगे भी, अगर एक दो सर्कल हमें कंफर्टेबल लगते हैं कि ये हमारा बनाया हुआ जुगाड़ हिलता है या नहीं हिलता, पता चल जाएगा एक दो सर्कल में, उसके बाद ही हम ज़्यादा टेम्पटेशन करेंगे। जितना भी टारगेट लेते हैं, 5 सर्कल 10 सर्कल जितने भी लेते हैं अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक, तो उसके बाद ट्राई करेंगे। पहले हम इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं, तो पहले ट्राई करते हैं 2 सर्कल। सही है मेरे हिसाब से, इसकी स्टेबिलिटी इतनी तो है ही कि हम 5 या फिर 7 सर्कल इजीली कर सकें। हम 5 या 7 के टारगेट लेके चलते हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है जुगाड़ कितना लंबा टाइम तक हमें सर्कल करने देगा अपने ऊपर। तो अभी हम 5 या 7 सर्कल का टारगेट लेके चलते हैं। तो 5 सर्कल डन करे हैं हमने, तो अभी हमने 5 सर्कल डन कर दिए हैं, तो बाकी हिल रही है थोड़ी बहुत, तो प्रोप करेंगे इसके पक्के में भी थोड़ा बहुत जुगाड़ करेंगे। अभी एक बार के लिए ये हमारा जुगाड़ इतना तो चल पड़ेगा। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये देसी जुगाड़ जो हमने घर पे ही बनाया है प्रैक्टिस करने के लिए? क्योंकि ना ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि ना कई बार कई जनों के रीजन्स आ जाते हैं कि यार हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है,
या हम ये कैसे करें, या देंगे कि सर्कल में ही ये कैसे सीखा जाए सर्कल, जैसे मेरे को तो आता था पहले, मैंने तो करा हुआ है पहले भी, ये सीखे कैसे, इसका ट्यूटोरियल भी बनाएंगे हम। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो इसका, और हम बनाएंगे फिर इसकी वीडियो। तो ये वीडियो यहीं तक है, ऐसे ऐसे जुगाड़ हम आपको और भी बताते रहेंगे जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को और एनहेंस कर सकें, बढ़ा सकें। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत, आज का दिन अच्छा रहा, गुड बाय।